ऐसे ही है. Every citizen has a right not to get exploited. Next देखिए. So right to freedom of religion. Next है आपको वो धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है. Right to freedom of religion. इसको क्या कहते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. So that means every citizen has right to profess, practice and propagate the religion he believes. तुम अपने धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस स्वीकार कर सकते हो और प्रोपेगेट उसका प्रचार भी कर सकते हो. प्रोफेस का मतलब एवरी सिटीजन, इसीलिए ये बिल्कुल मुझे काफी इंटेलिजेंट लगते हैं. एवरी सिटीजन हैज राइट टू प्रोफेस, यानी प्रोफेस का मतलब फॉलो करना, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट. तुम कोई भी धर्म अपना सकते हो, अपनाना और फिर प्रैक्टिस दैट मीन्स फॉलो करना, उसका उसके अनुयायी करना. प्रोपगेट का मतलब प्रचार. इस तरीके से नाउ दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. इसके अलावा तुम जो चाहो जितना चाहो पढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं है. तो अब देखो कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन विद ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव दैट इज हैव टू राइट टू कंजर्व इट. ठीक है. सो ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया have right to education. और इसको follow कौन करवाता है और guarantee कौन कर रहा है? 12वें तक की free शिक्षा का अधिकार लड़कियों को government दे रही है, और 10वें तक की free शिक्षा का अधिकार लड़कों को भी government दे रही है. 12वें तक में लड़कियों को free शिक्षा, कई जगह laptop दिए जा रहे हैं, स्कूटी तक भी बांटी जा रही है. तो वहाँ कब ड्रेस सब दी जा रही है, कुछ खाना ड्रेस कुछ भी नहीं, एक रुपये भी नहीं लगाना है. 12वें तक ऐसे ही पढ़ सकते हो. राइट टू get educated, educated and different state guaranteed. मतलब graduate तो नहीं करने की guarantee देते हैं, लेकिन आपको primary और higher education जो भी है थोड़ा सा, तो उस तरीके से आपको वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक आपको वो देते हैं. ठीक है. So that is get educated. और साथ में कैसा है, और राइट टू कंजर्व देयर कल्चर एंड राइट, कोई आपके कंजर्व देयर कल्चर. अगर मान लो गुजराती है यहां तक पहन के आता है और यहां पर वो फीते से बांधता है या फ्रॉक पहन के घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो कोई उस पर हंस नहीं सकता. हंस दे, हंस रहे हैं हम पर, इनके नियम लगाओ दो चार आर्टिकल. जो जो मर्जी सो पहने जैसे भी है, लेकिन किसी को हंसने का हमारा कल्चर है. जैसे स्कॉटलैंड में हंसी उड़ाई गई थी उन लोगों की, जब वो स्कॉटलैंड का विलय हो गया था इंग्लैंड में, तो वहाँ जब पहली बार पार्लियामेंट हुई तो उन्होंने कहा ये क्या ड्रेस कोड जोकर की तरह बन गया. वो इतनी बड़ी बड़ी टोपी लगाते हैं और फ्रॉक पहनते हैं, जैसे बैंड बाजे वाले नहीं होते यहाँ तक की, तो जो जेंट्स हैं वो फ्रॉक पहनते हैं रेड कलर की, तो और वाइट शर्ट और फ्रॉक पहनते हैं, तो लोग हंस रहे थे. तो तब उनको पता चला कि हम तो इनके गुलाम बन गए, हमने अपना विलय नहीं कराया. स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और आयरलैंड का विलय हुआ तब यूनाइटेड किंगडम बना. तो ऐसा भी होता है, तो हर एक का कल्चर है. और आज वो मांग कर रहे हैं पिछले 10 साल से, मुझे अलग करो, मेरा कल्चर तुम लोगों ने खराब कर दिया, हम नहीं रहना चाहते. और इस चीज को जब हमारे यहाँ पर ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो स्कॉटलैंड वालों ने अपना कल्चर दिखाया वहां पे, फिर लोगों ने तो क्या तालियां बजाई कि वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हम अभी हमारा कल्चर मरा नहीं, हमारी अपनी पहचान है. तो वो उससे ये संदेश देना चाहते थे कि हम अलग हैं, हम इंग्लैंड
ग्लैंड नहीं है, बैक पाइप पर बजाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई जगह पर आपको मालूम है कि जो अलग अलग कंट्री बने लड़ लड़ कर, जैसे फ्रीडम मूवमेंट नहीं होते हैं तो उसके उसके लिए कल्चर भी जिम्मेदार होता है कि ये इंग्लिश में जो ये जो लॉर्ड मैकाले जानते हो, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा नीति चलाई कि भारतीय शिक्षा घटिया है और अंग्रेजी शिक्षा का पालन किया जाए। ऐसा करने से हम गुलाम हो जाएंगे भाई, जिसने अपना कल्चर छोड़ लिया दूसरे का अपना लिया गुलाम ही हो जाएगा। अच्छा बताओ बताओ टाई कैसे पहनते हैं, ये ठीक है उनसे नहीं ठीक करो। तो अगर मैं उनकी तरह चलूं, हमको धोती पहननी आती है, साफा पहनना आता है, पगड़ी टाई तो नहीं आती है, टाई यूरोपियन है, तो अगर मैं उनका कल्चर अपनाऊंगा फिर मैं ध्यान से देखूंगा ये कांटा कैसे पकड़ना है, तो मैं कांटे छुरी से अपना पराठा रोटी खाऊं, कांटे ये चीज होती है। तो हम हर चीज नकल करने की आदत पड़ जाएगी और हम अपना जो गौरव है पीढ़े पर बैठ कर खाने का वो भूल जाएंगे, या जो हमारे महान संस्कार है भूल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमारा कल्चर चला गया तो सब कुछ चला जाता है। तो बात समझ में आ गई। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले अपना कल्चर छोड़ा, उसने सऊदी अरेबिया का कल्चर अपनाया और उसको लैंग्वेज क्या लेनी थी, उसने लखनवी उर्दू अपनाई। मतलब उन्होंने अपना कुछ भी नहीं रखा, लैंग्वेज भी खुद की नहीं रखी, कल्चर भी खुद की नहीं रखा, तो उसकी पूरी आइडेंटिटी खत्म हो गई। अदरवाइज उनके यहाँ सिंध थे, जो सिंध प्रदेश है पंजाबियों का था, वो उनके कल्चर को जिंदा रखता नहीं। बलूच थे, बलूच का अपना कल्चर था, तो उसने सबको बाध्य किया कि तुम्हें यही सऊदी अरब का कल्चर करना है, और सऊदी अरब में भी उनकी पहचान दो कौड़ी की तरह हो गई कि ये तो हमारा कल्चर अपनाते हैं नकलची। तो जब तुम किसी चीज दूसरे की चीज अपनाओगे तो फिर वो नकल नहीं बोली जाएगी। अगर मान लो ये टोपी पहन के आती है और ये भी पहन के आने लगी, फिर इससे कोई वो लाइक नहीं करेगा, कहेगा ये नकल करती है, नहीं कहेंगे। बात समझाई कि नहीं, लोग कहेंगे देखो देखा देखी कर रही है। तो वो चीज अगर अपना पहन के आए तो सम्मान है बात, ऐसा होता है कि नहीं, तुम दूसरे की तरह देख के करो। तो दैट इज कल्चरल आइडेंटिटी और दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। प्रवंचना के खिलाफ बोलने का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल remedies. So there is the right of citizen to approach the Supreme Court or High Court in case of any denial of fundamental right. अगर ऊपर में से कोई भी अधिकार कोई तुमसे छीनता है लेता है तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि इसने ये क्या, वो भी मना नहीं कर सकता। ये सबसे प्राइम है, सबसे बेसिक चीज है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स लिए गए सुप्रीम कोर्ट को, ये नहीं कहेगा कि चैनल से आओ, तुरंत सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट नहीं जाना है, सत्र न्यायालय, लोकल न्यायालय नहीं जाना है, कहीं भी जा सकते हो। सो इफ एनी ऑफ द ठीक है द राइट कर नहीं सकते हो दूसरी चीजों में, जैसे आप मान लीजिए मॉनेटरी केसेस हैं या और कोई चीजें हैं, झगड़ा हुआ है तब तो नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे बोलने के अधिकार को किसी ने ले लिया, किसी ने कैद में रख लिया, शोषण कर लिया, शिक्षा नहीं लेने दे रहा है, कह रहा नहीं तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वो भी सिर्फ 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। तुमको कोई वो नहीं चाहिए, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हाथ से लिखो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तुम्हें छापवाना भी नहीं है, वो लेके चले जाओ और अपना साइन करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करो। वो सबसे ऊपर रखा जाएगा, अगर 20,000 केस होंगे सबसे ऊपर तुम्हारा बाईपास, इतना ऊंचा ओहदा है व्यक्ति का। अगर इनमें से कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ तो सिटीजन के पास सबसे पहले सुन जाए। इतने केस पेंडिंग हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का फंडामेंटल राइट का केस बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जब तुम रखते हो तो वो प्रायोरिटी में रखता है कि कहाँ रखा जाए, तो जो लगाने वाला मुंशी है वहां पर वो तुम्हारा केस सबसे ऊपर रख देगा, उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और नहीं वहां पर भी नहीं सुनवाई तो इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, वहाँ ह्यूमन राइट कमीशन हैं, तुम इसके लिए बहुत बड़े बड़े फोरम बने हुए हैं, वहां पर भी अपनी बात रख सकते हो, लेकिन इंडिया में ही सुन ली जाएगी तुम्हारी बात।
है ना। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का मतलब है इनमें से कोई भी अधिकार यदि तुम्हारा छीना जाता है तो तुम्हें रिमेडी है उसके लिए अधिकार है। क्या चीज कही गई है कि द राइट अथॉरिटीज दिस राइट ऑथराइजेस द सिटीजन दिस राइट ऑथराइजेस द सिटीजन ठीक है टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एजुकेशन बोलो नया फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी ठीक है। अब देखो ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ठीक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व्हाट डज इट मीन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आयोग की स्थापना हुई है सो एनएचआरसी ये क्या करता है सो इन इंडिपेंडेंट कमीशन सेट अप इन 19 इट इज सेट अप इस पर किसी का शासन नहीं है कोई वो नहीं है इट इज सेट अप इन 1993 एंड इज इंडिपेंडेंट कमीशन ऐसा भी होता है बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी होती हैं तो 9 एनजीओज होते हैं तो एनजीओ में भी अगर है ना जैसे फीमेल के लिए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है नहीं एनजीओ बने होते हैं तो एनजीओ में भी अपनी चीज लेके जाओगे तो कि मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं कि वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय महिला सुरक्षा आयोग ऐसा है कि नहीं तो वो लोग क्या करते हैं कि भीड़ ले जाएंगे 200 के सीधा वहां लाल किले पे ये प्रधानमंत्री है उस पर इस औरत के खिलाफ ऐसा हो रहा उससे उनका भी नाम होता है लाइमलाइट में आ जाते हैं तो वो तुम्हारे मैटर को उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमने एक बार कंप्लेंट कर दी थी कि हमारे यहाँ जो एशियन पेंट्स ने की है पेंटिंग की है घर पर तो उसमें कुछ गड़बड़ी की है तो फिर हमने एक उसके लिए मैसेज डाला एक फोरम को कि सुन नहीं रहे ठीक नहीं कर रहे उसने कहा हाँ तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ी हुई है मुझे बताओ बताओ और उसने 5-6 बार फोन किया अच्छा हम तुमको इसके लिए अच्छा खासा 10 लाख रुपए दिला देंगे और 2 ही लाख रुपए हम लेंगे हाँ बोलो तो तुम बोलो क्या गड़बड़ी हुई है तो ऐसे वो हो गया कि मतलब जैसे वो इसी ताक में बैठे हैं
कि किसी एजेंसी को डिफेम किया जाए। तो तुम्हें अगर कंज्यूमर राइट्स हैं, कंज्यूमर राइट में जरा से तुम्हें कुछ होता है दाया बाया, तुम बस तुम एक खोलो नेट पे कि द फोरम अगेंस्ट दैट इज कंज्यूमर राइट्स कंप्लेंट, वहां तुमसे पूछने वाले अब तुमको खूब सारे पैम्पर करने वाले मिल जाएंगे। अच्छा तो ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तुम एक फोटो बस भेज दो उस दुकान की, बस हम तुम्हारे घर आ जाएंगे और बांट लेंगे 20% हमारा 80% तुम्हारा, वो उसकी पूरा उसका शोषण कर लेंगे जितना है, जितना ले सकते हैं देख लेंगे ये दुकान इतना दे सकते, भिजवा देंगे उसकी दुकान। तो बहुत कुछ नहीं करना है, बस अपना नाम, दुकान का नाम, अपना पता, बस छोड़ो। तुम देखोगे कि क्या मेरे ठाट है, ऐसी हालत है। मतलब लोग जो है ना तो वो किसी न किसी बहाने से आपका केस डालने वाले वकील बैठे हैं, वहां इंतजार करें कि केस तो आए। ये हालत है। सेटअप एंड इंडिपेंडेंट कमीशन, द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड इंक्लूड्स रिटायर्ड जजेस ऑफिसर्स एंड एमिनेंट सिटीजन, इसमें जज सब बैठे हुए हैं। सो इट इज सेटअप बाय प्रेसिडेंट, ये आ सकता है, ये क्या है, इट इज सेटअप बाय प्रेसिडेंट एंड इंक्लूड्स, तो तुम्हारे जो भी चीज है उसको बढ़िया तरीके से केस प्रिपेयर करेंगे, फाइल करेंगे, तुम्हारे आएंगे, तुमसे पैसा भी नहीं लेंगे। इंक्लूड्स अगर जब तुम्हें रिमेडी मिल जाएगी तब नेगोशिएशन होता है कि भाई हमने तुम्हें 10 लाख की रिमेडी दिलाई, अब दो हमारा, नहीं दिलाएगा तो नहीं है, नहीं तो तुम्हारे घर से नहीं लेगा, मिलने लेता है। इंक्लूड्स ठीक है, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जजेस ठीक है, ऑफिसर्स एंड एमिनेंट सिटीजन, एक के पैर घिस गए, चप्पल घिस गए, पिताजी बोले बेटा हमारे आयो, अब फौजी था कि देखो ये लाइट नहीं लगा रहा खेत में, खेत से होके हमारा मकान है और लाइट नहीं लगा रहा जो यहाँ का मतलब अधिकारी है ठीक है, जो वहाँ का कौन होता है, है? प्रधान या कुछ भी, तो उसने उसने बोला अच्छा ऐसा, उसने ऑनलाइन रिपोर्ट डाल दी कि हमारे यहाँ पर गांव में सब जगह लाइट लगा दी और इसी वजह से लाइट नहीं लगा दी, प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट कर दी। वो 2 दिन में ढूंढता आया प्रधान और सब उसने सब गिरवा दिया, खंबा वंबा गिरवा दिया सब कुछ है, और लोगों के खेत के बीच से आई लाइन, और फिर बाद में बोला कि आप चल के देख लीजिए अंकल जी कि ये ठीक लगा है, और कृपया करके वो जो केस है बंद करवा दीजिएगा। तो वो सब लग गई, बढ़िया से लग गई, खूब पैसा लगा। तो ये ऑनलाइन में बड़ी शक्ति आ गई है, इसमें बिल्कुल पार्शलिटी है कि सबसे ऊंचे, सबसे नीचे से सबसे ऊंचे केस पहुंचता है। एक आदमी पीट रहा था, अब क्या कहते हैं कि वैसे तो उसकी भाभी थी तो देवर पीट रहा था, करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर वो हमारे पड़ोस में था, हमने बोल दिया कि हमारे पड़ोस में ये चीज है और पीट रहा है इसको, हाँ मतलब एक स्त्री को पीट रहा है, तो वहाँ पर वो 18 साल का ही था, और अगले दिन 4-5 लोग आ गए, एक पुलिस आ गई उसके यहाँ, हाँ तुम्हारे नाम के केस फाइल हुआ है अगेंस्ट में, हम बता नहीं सकते क्या है कि कैसे है, ऐसे ऐसे हुआ, तो फिर ये चीज हो गई। तो फिर बात बोला कि अब तो आप आगे नौकरी के लिए फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आपके अगेंस्ट केस हो गया है, अब आपको कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये है वो है और बहुत कुछ हुआ, और फिर बोला इसका आप जवाब दाखिल करें नहीं तो हम आपको ले जाएंगे और 3 दिन आपको उसमें रखेंगे। तो फिर हम लोग भी पूछने गए भाई क्या हो गया, आप क्या इसे पुलिस वुलिस क्यों, बड़ी दिक्कत हो गई, उसकी भाभी रो रही है कि भाभी रो रही कि देखो थोड़ा बहुत घर की बात होती है और ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, सब लोग हमें ही कोस रहे हैं, अब स्त्रियों को ही कोसते हैं ना कि तुम्हारी वजह से, तुम ही ने किया होगा। तो फिर हमने अगले देखा कि 2-3 दिन तक तो खूब परेशान रहे, फिर हमने वापस ले लिया कि ड्यू टू सम मिस्टेक दिस केस वाज पुट, हम वो नंबर था हमारे पास कोर्ट का,
तो फिर बाद में वो जब केस रफा दफा हो गया तो उनके फोन पे एक मैसेज भी आ गया। तो फिर हमने पूछने गया कि उसका कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हाँ पता नहीं किसने किया था, देखो सब ठीक ठाक हो गया, बहुत अब राहत की सांस है, बहुत अच्छा, शक्ति बहुत ज्यादा है, जरा सा लिख क्या दो ना सब पीछे पड़ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ना सोचो कि शक्ति नहीं, एक सिटीजन की शक्ति बहुत बड़ी है। भाभी रोने लग गई कि हमारे पति की नौकरी बोली दे हमें समझ में आई बात सो ऑफिसर्स एंड एमिनेंट प्रसिद्ध एमिनेंट सिटीजन रहते हैं बड़े बड़े, जैसे सबाना आजमी, ऐसे बड़े बड़े लोग। जब तुम उसमें फिल्म देखोगे कि सेंसर बोर्ड ने रिलीज की तो नीचे शबाना आजमी के दिक्कत होते हैं, देखा नहीं पिक्चर देखने की देखने के लेकिन कम से कम 1500 पिक्चरों में उन्होंने सेंसर बोर्ड में साइन किया। ₹10 के जनरली स्टैम्प पे लिखो, कह दो ये मेरा तुम्हारे यहाँ 15 मिनट से खड़ा हूँ, अभी तक रिजर्वेशन नहीं हुआ, लिख के दो तुम्हारे कितने क्लर्क काम करते हैं और एक दिन में कितना क्लर्क कितना रिजर्वेशन करता है, सब लिख के दो, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो 10 दिन में तुम्हारे पास जवाब आ जाएगा। बोलो 20 क्लर्क काम करते हैं और एक दिन में एक 10 ही रिजर्वेशन करता है, बाकी 5 क्लर्क काम है तो 5 ही दिख रहे हैं, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इतना तगड़ा, तुम किसी भी पब्लिक ऑफिस की पूरी जानकारी खंगाल सकते हो, इससे बहुत घोटाले उजागर राइट से बिल्कुल सही सही जानकारी देनी पड़ेगी, और कोई सिटीजन कर सकता है, उसको सब काम छोड़ के तुम्हारी जानकारी ही पहले देनी पड़ेगी, बंद करो ये आ गया जनरल स्टैम्प आ गया, इसकी जानकारी दो इसको, नहीं तो सबकी नौकरी जाएगी। राजीव गांधी मतलब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन सिर्फ 10 रुपए का है, और केवी नंबर 2 में राइट टू इन्फॉर्मेशन सीढ़ियों के पास लिखा है कि कैसे कैसे फाइल करना, देखा है कि नहीं उसके सीढ़ी के जस्ट नीचे। तो ये है सम एक्सटेंडेड राइट्स आर, और राइट टू आइसोलेशन साउथ अफ्रीका में दे दिया, तुम्हारी निजता का अधिकार, तुम जितने दिन तक किसी को बिना बताए पहाड़ की चोटी पर गगन किनारे नदी किनारे कहीं भी रह सकते हो, 10 साल 20 साल तुमको राइट टू आइसोलेशन। ये कोई नहीं पूछने आएगा कि तुम लापता गंज में रह रहे हो। और राइट टू इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि नहीं दिया गया मेंशन, और राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हो गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस भी दे दिया गया, और क्या क्या राइट्स हैं बताइए, राइट टू एजुकेशन, वहां पर तो एजुकेशन राइट्स
फैक्ट्स वैसे दिए ही गए हैं. सो विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, ये किससे दिए गए हैं? फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स. अब जरा देख लें कि क्लेम से आप क्या समझते हैं. डिमांड फॉर लीगल और मोरल एंटाइटलमेंट्स ए पर्सन मेक्स ऑन फेलो सिटीजंस. सो इट इज लीगल और मोरल एंटाइटलमेंट. मोरल एंटाइटलमेंट. अगर मान लो किसी ने तुम्हारे हाथ पे लिख दिया कि मेरा बाप चोर है या तेरा बाप चोर, तो कुछ लोग जिंदगी भर इसलिए लड़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक बार बोल दे हाँ तुम चोर नहीं हो, तो देख लो मैं चोर नहीं हूँ, तो वो क्लेम है. उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे मोरल एंटाइटलमेंट चाहिए. मतलब कि अगर उसके खिलाफ किसी ने गलत बोला तो वो ये नहीं चाहता क्लेम, उसके पास बहुत पैसा है. लेकिन अगर उसे किसी ने डिफेंड किया है तो वो दिखाना चाहेगा कि इसने मुझे डिसग्रेस किया है और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, कि तो वो ये बोल दे बस कि गलत बोल रहा है, तो उसको कहते हैं मोरल एंटाइटलमेंट. और लीगल एंटाइटलमेंट, कि लीगल एंटाइटलमेंट है मेरी ये उंगली उसने काट दी और इसी उंगली वो मुझे 1 अरब रुपए चाहिए क्योंकि मैं इसी उंगली पे तो अपने पति को नचाया करती थी, 1 अरब रुपए का मालिक है और यही उंगली उसने काटी है. To uphold a rule or principle, it is legally binding or on the signatories to the agreement of statement. तो ये covenant हमको किसने दिया है? हमारे constitution ने हमको ये promise किया है कि तुम्हारे सारे मौलिक अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे. So covenant का क्या मतलब है? Promise made to individual. Constitution or some, ठीक है, association or institution, कुछ भी है. Country or association. तो हमको ये संविधान ने अधिकार दिए, कोई हमारे अधिकार छीन नहीं सकता है. एमनेस्टी इंटरनेशनल से क्या समझते हो? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. एमनेस्टी एंड इंटरनेशनल, हाँ बोलो. International organization of volunteers who campaign for human rights and international organization for human rights. Organization of volunteers. So volunteers इसमें जा सकते हैं who campaign. कई बार इसके लोग अलग अलग एमनेस्टी इंटरनेशनल के जाते हैं पाकिस्तान में देखने के लिए कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है कि नहीं, देखते हैं कि नहीं, फिर मार भी दिए जाते हैं वो लोग. लेकिन कई इनका बहुत सम्मान होता है अगर एमनेस्टी का कोई आ रहा है तो. वॉलंटियर्स हैं वो, इसके सदस्य होते हैं, जगह जगह देखते हैं कि कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है. लेकिन युद्ध क्षेत्र में तो सीधा पता नहीं लगाया जा सकता, जैसे यूक्रेन है, जब ये वार समाप्त हो जाएगा तब जाएंगे कि क्या क्या वायलेशन हुआ है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े वार रिपेरेशन तय किए जाएंगे. तुमने ऐसा किया है इतने मिलियन डॉलर को, तो दैट इज हु
रिपेंटेंस देना पड़ेगा। इन वॉलंटियर्स हैं लेकिन जो इनकी रिपोर्ट है वो बहुत मायने रखती है। सर अमेरिका बंगाल की नहीं, किस मामले में? सर अमेरिका जंग में लड़ता है, दिस ऑर्गेनाइजेशन ड्रिंक्स और दूसरों को लड़वाता है, अपने हथियार बेचता है, बस यही है। उसकी जमीन पे कोई जंग आज तक नहीं लड़ी गई है तो उसने उसको नुकसान ही नहीं। दिस यूक्रेन का भी लड़वाता है, वो भी तो वियतनाम वॉर भी लड़ा है, वियतनाम वॉर अपनी जमीन पे नहीं लड़ा है, वियतनाम में जाके लड़ा है, तो वहाँ उसके सैनिक हताहत हुए हैं, बट लेकिन अपनी जमीन पे सारा सब कुछ बिखर जाएगा, सारा तुम्हारा जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, ब्रिजेस हैं, वो सब तबाह हो जाएंगे, लेकिन दूसरे की जमीन पे लड़ने पर तुम्हारे सिर्फ सैनिकों का ही वो होगा लॉस है। क्या अरे ये जो शुरू में हमने आपको बताया था ना कि ग्वांटानामो जेल में ये जो किया गया वो वियतनामी सैनिकों को ही मारा गया, उनके शरीर को बिल्कुल बिना कपड़ों के बक्सों में बंद कर दिया गया, घुटने मोड़ के बक्सा बंद कर दिया, एक छेद रखा गया, बोला मरो इसमें। ये हाल है अमेरिका का, टॉर्चर सेल बहुत बुरा है, उन्हीं पर यूरिनेट करते हैं जो कैदी है, तो लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता ना ऐसे लोगों को, तो सिर्फ कहने के लिए ह्यूमन राइट्स है, फिर वो गुमनाम हो जाते हैं जो पता नहीं चलता। तो हमारे भी एक थी कि भाई जो यहाँ पर यहाँ से जैसे राजनयिक नहीं होते हैं दूसरे जगहों पर, कि हर एक का जगह पर जैसे राजदूत, राजदूत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब हर एक जो दूसरे देश में रहता है कि वो इंडिया का है दूतावास, नहीं नहीं राजदूत एम्बेसी होती है, और उसमें हमारा क्या होता है राजदूत होता है, वॉट इज इंग्लिश वर्ड फॉर राजदूत, इंग्लिश वर्ड फॉर राजदूत तो दैट इज एम्बेसडर, तो हमारा एम्बेसडर था, एम्बेसी है तो एम्बेसडर ही होगा। तो हमारा वहाँ पर क्या थी कि एक लेडी थी, लेडी शायद पूजा करके थी, कुछ पूजा साइनी या कुछ भी थी, तो हाँ फिर उसकी जो नैनी थी तो वो उसकी जितनी सैलरी थी उसका एक तिहाई ले लेती उसके बच्चे की देखभाल के। नैनी ने कहा नहीं मुझे $80 पर घंटे का चाहिए, और ये यहाँ की अमेरिका के हिसाब से जायज बनता है, तो मैं तुम्हारे 8 घंटे रहती हूँ और तुम्हारी सैलरी का 95% मेरा बनेगा। तो इस बात में अमेरिका ने उसको जायज ठहराया कि नहीं ये सही है, और अब इसके खिलाफ केस होगा और इसे टॉर्चर किया जाएगा। तो मोदी ने कहा अच्छा तुम हमारे राजदूत को टॉर्चर करोगे, उन्होंने क्या किया पहले तो बोला कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और अगले ही दिन सारी प्रोटेक्शन यहाँ अमेरिकन एम्बेसी से दिल्ली के सामने हटा दी, बोला दिल्ली के तुम्हारी एम्बेसी के सामने हमने अपने सारे वो सिक्योरिटी गार्ड हटा दिए, और जो फिर अब कुछ होगा तुम जो वहाँ करोगे यहाँ के अब देखना हम जिम्मेदार नहीं है। तुरंत उन्होंने बड़ी सम्मान के साथ स्पेशल विमान में उसको भेज दिया वापस, और कहा कि आपके खिलाफ सारे केस वापस लिए जाते हैं, आप ठीक हैं, और ये नैनी बताइए सही है सर, पहले बताइए सर आपने स्टोरी है ना, तो मतलब ये होता है अगर सही गवर्नमेंट हो तो ये चीज होती है, नहीं तो वही दूसरी ओर भोपाल हत्याकांड हुई थी गैस कांड, वहाँ गैस लीक हो गई थी, तो उसमें राजीव गांधी ने जो वहाँ था उसका मालिक वो अमेरिकन था, उसको स्पेशल विमान में बैठा के अमेरिका भेज देते, तुम पहले जाओ तुम्हें सुवानी सुरक्षा प्रमुख है, नहीं तो हमारे भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ेंगे, उसको इतने लोगों के हत्यारे को वापस भेज दिया। तो अगर सरकार के ऊपर होता सरकार क्या चीज करती, बात समझ में आ गई कि नहीं, तो वो कैसे किसी चीज को देखती है कैसे, तो हम जवाब ले सकते हैं किसी, समझ में आ गई। तो इस तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करती है, इट ब्रिंग्स आउट इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, दिस ब्रिंग्स आउट इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, नहीं तो हर एक देश तो बोलेगा नहीं हमने कोई वायलेशन नहीं किया है, लेकिन इसकी बात मानी जाती है ऑन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अगर कहीं पर कुछ हो रहा है तो लेशन ऑफ
वर्ल्ड वार में सब लोगों ने जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया कि तुम ही जिम्मेदार हो, 90 साल तक वहां रिपेरेशन देना। जर्मनी के लोगों ने इसे अपना अपमान माना और हिटलर ने तो कुछ ज्यादा ही मान लिया, छेड़ दिया, बोला जर्मनी का इतना अपमान। जर्मनी से कहा गया कि तुम अपनी सेना 1 लाख से ऊपर नहीं रखोगे, लेकिन हिटलर ने इसे भी नहीं माना, उसने अपनी सेना को 15 लाख तक मिलिटराइजेशन किया। उसने कहा हम कुछ नहीं मानते और हम किसी को वार रिपेरेशन। फिर जर्मनी ने फिर आक्रमण करना शुरू किया, सेकंड वर्ल्ड वार इसी जर्मनी की वजह से हुआ। तो लोगों ने ध्यान रखा कि वार रिपेरेशन इतना भी ना हो कि कोई देश त्रस्त हो, तो जितना कोई दे सके उतना ही रखना चाहिए। बोले लोग कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में मेरे इतने हथियार गड़बड़ हुए, मेरी इतनी बेलुगा मिसाइल, इतनी सी ईगल मिसाइल, 1400 सी ईगल मिसाइल हमने तुम्हारे ऊपर फायर की है, हर 2 करोड़ की वो पैसा हमें दो, हमने तुम्हारे ऊपर फायर की, हमारी मिसाइल का पैसा दे दो। वो ये नहीं कह रहे कि हमने तुम्हें मारा, बोला हमारी तो खर्च हो गई ना मिसाइल, इसका पैसा तुम्हारी वजह से वार हुआ, तुम पैसा दो। और जो तुमने हमारे पर मारा उन बिल्डिंगों का पैसा दो, ऐसा हर तरह से। अब जरा देखें, that is summon, what does it mean by summon? आदेश होता है कि नहीं, तुम्हारे घर में सम्मन चिपका दिया जाता, what does it mean? That is an order issued by court asking a person to appear before it, an order issued by a court, ठीक है, asking a person to appear before court, court के सामने आए। Next is ethnic group से आप क्या समझते हैं? Ethnic group का मतलब है that is a human population whose members usually identify on the basis of common culture or beliefs. So a society whose members, जिसके member क्या होते हैं, are identified due to their common culture. ड्रेस कोड, उनकी अपनी ड्रेस कोड होती है कि वो क्या पहनते हैं, ठीक है, और एंड रिलीजियस बिलीफ, नेक्स्ट इज ट्रैफिक क्या होता है, बोलो, selling and buying of men, women and children, selling and buying of children. जब से चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी लगी तो वहां सभी कपल्स ने एक लड़के को जन्म दिया, एक लड़के मतलब लड़की को नहीं जन्म दिया, वो चाहते थे कि उनका वंश बढ़े, तो वो वहां पर क्या था कि सोनोग्राफी करा लेते थे और लड़के को जन्म दे देते थे, लड़कियों को नहीं जन्म देते थे, फिर चाइना में वन है ना। और फिर उसके बाद बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई और उसमें इतना रेशो बिगड़ गया कि वहां पर 70% से ऊपर मेल हो गए और 30% ही फीमेल रह गई, तो उन्होंने पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर फीमेल ट्रैफिकिंग शुरू कर दी, फिर वहां से चोरी चोरी वो पकड़ के औरतों को लाते थे और अपने यहाँ शादी करवाते थे। और जो बड़ी बड़ी एजेंसियां थी वो ये ऑफर देती थी, तुमको इतने डॉलर की, इतने येन की सैलरी और पाकिस्तान की एक लड़की शादी के लिए। और मतलब आप समझ लीजिए पाकिस्तान की लड़कियां भी सोचने लगी कि हमें चाइना जाना है, वहां शादी करना है, वहां पर बहुत डिमांड है, और उसके लिए उनके माता पिता को पैसा दिया जाता, तो फिर उनको ले जाता था, फिर उनका कभी पता नहीं चलता था वो कहां गई, वेयर अबाउट्स तक नहीं पता चलता। तो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ, फिर अब वहां 2 चाइल्ड पॉलिसी हो गई, लेकिन अब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, लोग एक ही ठीक है, बोलने दो। तो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ
ऑफ मैन वुमेन, और हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, और वहां पर क्या है कोरोना का जो इंजेक्शन लगा है उसकी वजह से वहां की 85% आबादी कोरोना पॉजिटिव हो गई है, और प्रतिदिन मरने वालों की संख्या अब यहां से 20 जनवरी के बाद 2,00,000 हो जाएगी, प्रतिदिन 2,00,000 मरेंगे, इतनी हालत है, क्योंकि उन्होंने नकली वैक्सीन लगाई, नकली वैक्सीन से तो नहीं हो सकता है ना सब कुछ, तो यहाँ हम लोग आराम से घूम रहे हैं, और वही चीज क्योंकि चाइना का मैप देखा है उसके बगल अमेरिका है, चाइना के ठीक बगल जापान है, और जापान के वहां भी रोज 2,000 मर रहे हैं, आप अगर आप कोरोना क्लॉक देखोगे 2,000 आदमी रोज अमेरिका में भी मर रहा है, जापान की तो बहुत बुरी हालत है, जापान में इतने नहीं मर रहे क्योंकि वो छोटा देश है, वहां 900 लोग मर रहे हैं डेली, हाँ लेकिन अमेरिका बड़ा है उस हिसाब से 2,000 मर रहे हैं, चाइनीज में तो मरने वालों की कोई गिनती ही नहीं है, वहां कौवे उड़ते उड़ते मर जा रहे हैं, सबकी छतों पे कौवे पड़े हैं उनको, हाँ कौवे जो बर्ड्स है ना वो उड़ते उड़ते मर रहे हैं उन्हें कोरोना हो गया, मैन वुमेन और चिल्ड्रन, कभी कभी ऐसा भी होता है इनकी ट्रैफिकिंग होती है क्योंकि इनके बॉडी पार्ट्स बेच दिए जाते हैं, एक आदमी की कीमत करीब 25,00,000 रुपए है अगर सारे अंगों को बेच दिया जाए ठीक है, फॉर इमोरल पर्पसेस, और सीट के पीछे बैठते थे, सब लोग आगे सीट बैठते थे, पीछे बैठते थे जमीन पे, और उनको उनको पहले आना पड़ता था एक घंटे पहले झाड़ू लगाने, अदर सोसाइटी मेंबर्स, तो जिनके खिलाफ आप अत्याचार करोगे वो कभी ना कभी ऊपर उठकर आते हैं ना, सबका समय आएगा भाई, अदर सोसाइटी से देख लेना, और अच्छा अच्छा बोलना चाहती थी ना, जेल में क्यों डाला या 10 लोगों पे गोली क्यों चलवाई, उन पे लाठी चार्ज क्यों करवाया, आप इसका कारण बताइए,
नहीं बता रहे हो तो कोर्ट में उपस्थित हो प्रधानमंत्री जी या उनके पीएमओ ऑफिस, ये होता है रिट। गवर्नमेंट को इशू कर सकती है, तो इशूड ओनली बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इशूड ओनली बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये बात समझ में आ गई आपको कि रिट क्या चीज होती है। अब जरा देखो कि ओके नाउ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, मेंशन एनी थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया ए सेक्युलर स्टेट, मेंशन एनी थ्री प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक्स इंडिया अ स्टेट। सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। फिर से बोलो इंडिया में कंट्री दैट डज नॉट, दैट डज नॉट अडॉप्ट, उसका कोई अपना धर्म नहीं है, डज नॉट, ना वो किसी धर्म को प्रोपगेट करती है, ना वो प्रोसेस करती है, ना फेवर करती है, डज नॉट अडॉप्ट इट्स ऑफिशियल रिलीजन एनी रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। अच्छा ये बताइए पाकिस्तान सेकुलर है या नहीं भाई? है, जिन्ना लिख के गए सेकुलर है, लेकिन उन्होंने माना नहीं, माना नहीं है, वो लिख के गए सेकुलर। यहाँ सब लोग आराम से भाईचारे के साथ रहो। तो शुरू में जो 27% थे जो अदर देन मुस्लिम, वो अब 3% बचे हैं, उनको मार मार के 3% तक कर दिया गया। अब जब बचे नहीं तो वहाँ शिया सुन्नी है, तो अब सुन्नी ज्यादा कट्टर होते हैं, और शिया वो होते हैं कि जो अल्लाह को मानते हैं लेकिन मतलब पैगंबर मोहम्मद को अपना गुरु भी मानते हैं कि भाई वो भी उन्होंने लिखी है कुरान तो वो हमारे हैं। तो अब और सुन्नी कहते नहीं सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है, तो सुन्नी लोग जो हैं वो कह रहे हैं वहां पर प्रचार कर रहे हैं शिया शिया काफिर शिया। अब वो कह रहे कि मारे तो किसको मारे, अब चलो शिया को मारा जाए। तो अब वहां पर तलवार ले लेकर के सब आ गए और फिर खून खराबा कर दिया। अब वहां पर शिया को मारने की चल रही है। आपको मालूम होना चाहिए इराक जो है वो सुन्नियों का प्रदेश है और ईरान शिया लोगों का प्रदेश है, तो उन दोनों में हमेशा से वार इसी बात पर होता है। सुन्नी चाहते हैं कि अल्टीमेटली सारे सुन्नी बचे और कोई नहीं बचे। धर्म में इनके धर्म में 74 फिरके हैं, तो सबकी आपस में दुश्मनी चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ 4 कास्ट हैं, वैसे मुस्लिम में 74 फिरके हैं, जैसे देहलवी बरेलवी ऐसे अलग अलग जगह के नहीं होते हैं। तो वो तुम कहाँ के हो, तो हम देहलवी के हैं, देहली से हमने पढ़ा हुआ है, हम बरेली के उलेमा है, तो बरेलवी हो गए, सब अलग अलग। ऐसे 74 शिया सुन्नी भी 2 फिरके हैं, तो अगर एक फिरका दूसरे को मार देगा। 74 कास्ट है एंड दे ऑल आर हैविंग एक दूसरे के अगेंस्ट में एमनेस्टी रहती है, दैट इज एनमिटी रहती है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये चीज है, तो आप देख रहे हैं धर्मनिरपेक्ष वही देश सही रह सकता है जहां पर धर्म सबको धार्मिक स्वतंत्रता हो, तभी तो वहाँ अच्छा रहेगा। अगर एक को स्वतंत्रता दी जाए और दूसरे को न दी जाए, फेवर किया जाए, तो दूसरा फिर बागी हो जाएगा। तुम्हारे पापा घर में तुमसे पूछे बेटा कौन सा टीवी लाना है, तो तुम कह दोगी एलजी का लाना, भले ही फिर चाहे तुम्हारे यहाँ सोनी का है, लेकिन तुम्हें ये लगेगा हमसे पूछा तो पूछना बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर सबको वोटिंग राइट है, तो सब जानते हैं कि हमारी बात सुनी जाती है, हम टीवी पे जाके बोल आते हैं, वो बेसिक कहेंगे हम देखो टीवी पे बोल लिया है अपनी बात, तो ये अपने आप में सम्मान है। बोलने का ही अधिकार ना दो, और कूद फांद का अधिकार दे दो, हम देखो दिल्ली में 24
महीने तक वहां पर सड़क बंद करके आए, तो वो उसमें उतर रहे, वो खुश है, चाहे कुछ हो या ना, भूत फांद करके भी खुश हो जाते हैं लोग। तो इस तरीके से हमारे यहाँ क्या है कि सबको अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म नहीं है राज्य का, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री फिर भी कहते हैं नहीं, कहते हैं हम अपनी संस्कृति बचा रहे हैं। अगर मान लो अयोध्या का या जगह जगह का विकास कर रहे हैं, वो धर्म के नाम पे नहीं कर सकते हैं। कहते हैं हम अपनी भारत की पुरानी संस्कृति बचा रहे हैं। अगर वो ये कह दें इसको हम हिंदू धर्म बचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट बुला ले, आओ हमारे पास, क्या कर रहे हो सरकारी पैसे को तुम यहाँ धर्म में लगा रहे हो, तो वो ये बोल सकते हैं हम भारत की धरोहर बचा रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम यहाँ टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। सो इन इंडिया पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन, आंसर देखिए, इन इंडिया पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, देयरफॉर इंडिया रिमेन न्यूट्रल, देयरफॉर इंडिया remain neutral in matters of religion, in matters of 15 मिनट में छोड़ देंगे, ठीक है, आप लोगों का टेस्ट भी है, ठीक है, 7-10 तक छोड़ देंगे, ओके, matters of religion। अब ये देखो, and choose to be a secular country, and choose to be a secular country, भारत में इतने धर्म है, सबसे ज्यादा धर्मों की उत्पत्ति कहां हुई, ये विश्व में इतने सारे धर्म है, सबसे ज्यादा धर्म कहां बने, इंडिया में बने, क्योंकि आप देखो कि यहां पर पंजाबियों का धर्म बना, ठीक है, इसके अलावा बुद्ध धर्म की स्थापना यहां हुई, जैन धर्म की स्थापना हुई, हिंदू धर्म की स्थापना हुई, और पारसी, दैट इज ज़ोरास्ट्रियन, पारसी की कहाँ पे स्थापना हुई, ये ज्यूज है ना, इजराइल, यहूदी होते हैं, हाँ उधर ही हुई होगी, लेकिन यहाँ चार धर्मों के तैयार स्थापना है ना, तो फारस से आए वो पारसी हुए नहीं, तो इस तरीके से यहाँ पर इतने लोग हैं अलग अलग रिलीजन, तो इंडिया ने क्या प्रिफर किया, हम कैसे रहेंगे निरपेक्ष, ये गांधी जी का विजन था कि अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो ही हम आगे देश को जोड़ पाएंगे, तब सभी लोग एक साथ रहेंगे, जबकि दूसरे देशों में आप देखें श्रीलंका में और जगह कितने ग्रहण चला, कितना लंबा चला, 40 साल उन्होंने क्या किया, सिंगली को माना बौद्ध धर्म, सिंगली बौद्ध होते हैं, और तमिल को नहीं माना, तमिल लोगों ने LTTE बना दी, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, वो लड़ाई करते रहे, उन्होंने कहा तमिलों को हम नौकरी नहीं देंगे 20%, बोले हम इनको पॉलिटिकल राइट नहीं देंगे, हम 80%, इसको कहते हैं मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, जो चाहता है बस उन्हीं का शासन चलेगा, तुम्हारे अगर तुम एक भी तुम्हारे घर में एक बच्चा है और तुम उसकी बात ना मानो, अरे तुम किनारे पड़े रहो, वो देखना बंदूक उठा लेगा एक दिन, नहीं हमारी बात ही नहीं मानते, सबको गोली मारो, नहीं और तुम उससे जरा सा सम्मान करो, अरे घर का कुत्ता भी बागी हो जाता है, नहीं हो जाता अगर जरा सा उसे ना पूछो, वो पूछ लाते हैं और फटकार दो तो वो भौंकेगा, अगले दिन काट ही लेगा, यही होता है कि नहीं, तो इस तरीके से सेकुलर कंट्री, ठीक है, और अ सेकुलर स्टेट और अ कंट्री इज वन दैट डज नॉट एस्टेब्लिश एनी वन रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन, तो ये अ कंट्री said to be secular, वो secular कब कहा जाएगा, state if it does not follow, ठीक है, it does not establish any religion as official religion, adopt देखें। So, हम तीन चीजों की बात करेंगे जो इंडिया को सेकुलर बनाते हैं,
provisions. Constitution provides to all its citizens the freedom to profess. The Constitution. आप देख रहे हैं आगरा में चारों तरफ वहाँ पर जो एयर फोर्स की बाउंड्री है वहाँ पर सब आगरा पहली बात मुस्लिम बाहुल है तो वहाँ पर सब तरफ उससे सटा सटा के लोगों ने बना रखे घर पे तो वहाँ अंदर डिस्टर्बेंसेज होते थे तो उन्होंने कहा कि हमको 20 मीटर तक की जमीन क्लियर करनी है और हम इनको पैसा मुआवजा देने को तैयार थे लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की है वो मुस्लिम का सपोर्ट कहते थे ऐसे तुम किसी मुस्लिम का कैसे घर तोड़ोगे तुम्हें नहीं तोड़ने देंगे और उन्होंने नहीं जबकि ये इससे खतरा होता है देश की सुरक्षा को योगी आदित्यनाथ था एक तरफ से बुलडोजर चलवा दिया और मुआवजे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं ना मुआवजे की बात हो रही ना कुछ बोले ये तुमने अनऑथराइज जमीन पे कैसे बना दिया जाओ ये भी चीज होती सरकार पर भी होता है ना द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इट्स सिटीजन तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है बताइए द फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन टू फ्रीडम लेकिन आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते इसको अवैध माना गया करवाते हैं तो इसको अवैध माना गया है अगर आपने धर्म परिवर्तन कराया है किसी वजह से तो फिर आपके कानून लगेगा ठीक है जो जो कुछ लोग ऐसी संस्थाएं हैं ना जो धर्म परिवर्तन के लिए बनी है वो जैसे ही पता चलता है उनको जेल में डाल दिया जाता है बिहाइंड द बार्स धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित भी नहीं कर सकते तुम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो लेकिन ये नहीं कह सकते किसी दूसरे धर्म को कि तुम हमारे धर्म हाँ? मर्जी से किया हो आप नहीं कहोगे कि हमारे धर्म में आ जाओ तो एक ने बोल दिया ला इला 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 मोहम्मद उल रसूल अल्लाह ऐसे बोल दिया तो बोले बन गया मुसलमान अब तो आ गया जिसने कलमा पढ़ दिया मुस्लिम हो बोले बोलो जरा इसको बोल के दिखाओ उसने देखे बोल पाते हो कि नहीं उसने बोला अब तो हो गए मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इट्स सिटीजन टू द फ्रीडम टू प्रोफेस टू प्रोफेस यानी किसी चीज को अपनाने का प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट सबको ये अधिकार देती है एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस अगर आपने वहां पर एक सभा की है अखंड रामायण का पाठ चाइना में और वहां पता चल गया कि 20 लोग बैठे हैं और यहाँ पे अखंड रामायण चल रही है तुरंत तुमको जेल में डाल देगा कहेगा खुद की तो जिंदगी बर्बाद कर 20 लोगों का और टाइम फालतू बर्बाद कर अकेले चुपचाप पढ़ो अखंड रामायण चार आदमी बुलाने क्या जरूरत हाँ वो कहते हैं कि तुम टाइम नहीं बर्बाद कर सकते उनकी सरकार को यही खतरा लगा रहता है कि लोग इकट्ठे होंगे तो उनके खिलाफ हो जाएंगे तो वो जुड़ने नहीं दे रही देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया क्या श्रीलंका का कोई ऑफिशियल रिलीजन है बोलो ये ठीक बता रहे हैं दैट इज बौद्ध धर्म सो अनलाइक श्रीलंका वेयर बुद्धिज्म इज द स्टेट रिलीजन अनलाइक श्रीलंका वेयर 80% बुद्ध है ना वेयर बुद्धिज्म इज स्टेट रिलीजन अब देखिए हमारा कोई ऐसा
ऐसा नहीं है, इस्लाम इन पाकिस्तान, ऐसा खुलेआम लिख दिया गया कि इस्लाम अब स्टेट लिया तो बन गया होगा, उस समय नहीं था, अभी हो गया। इस्लाम स्टेट रिलीजन किसका है? इस्लाम इज स्टेट रिलीजन इन पाकिस्तान। ऐसे बोलना भी मना है, जैसे मोदी जी कह दें कि वहां पर आ गए टीवी पे कि जय श्री राम, और फिर ऐसे बोलो तुमने जय श्री राम बोली, यहाँ तो तरह तरह के धर्म, और लेकिन वहां के लोग या खुदा बरकत कर ऐसे बोलते हैं, नहीं कि वो इमरान खान है कुछ भी, मतलब अल्लाह की बरकत हो, वो सब खुलेआम बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो वो गलत माना जाएगा, इट इज ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उल्लंघन है संविधान का। तो ऐसे ही दैट इज क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, एंड क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, क्या आप लोगों को मालूम है नाटो एक संगठन है? यस सर। तो नाटो में वही देश हैं जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, ट्रीटी एसोसिएशन है, जो 39 कंट्रीज है सब क्रिश्चियन है, और छुपे छुपी वो चाहते हैं कि क्रिश्चियन क्रिश्चियन ना, बाकी सबको मार दो। रशिया को इसीलिए वो नहीं ले रहा है, रशिया ने कहा हमको भी ले लो, बोले तुम्हारे तो क्रिश्चियन है ही नहीं, बोलते नहीं है वो, लेकिन लेते उन्हीं देशों को हैं जहाँ क्रिश्चियन। आप समझो सऊदी अरबिया का कौन सा है जो उनका नहीं है, सारे देश जो ऑयल एसोसिएशन है सऊदी, पूरे 52 देश जो क्या कहते हैं इस्लामिक एसोसिएशन है, तो वो सिर्फ अपने इस्लाम को जिंदा रखना चाहते हैं, बाकी को मारने दिया जाता, तो सब जगह ऐसे ऐसे एसोसिएशन है। जब तुर्की को नाटो में उन्होंने ले लिया है, किसी रीजन से लिया होगा, अदरवाइज जो बाकी है, ठीक है, इसीलिए बनती नहीं है तुर्की की नाटो से। अब देखो वो हमेशा 36 का आंकड़ा है, अगर 3 इधर है तो 6 इधर है, 36 का सो क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड हमारे ऐसा नहीं है। तो देखो थर्ड है, देयर इज नो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तीसरी बात क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन prohibits sunny इसका मतलब बताओ, discrimination on ground of religion इसका मतलब बताओ सर, वर्जित, अरे सर मना, अरे बता दो, दो मतलब इसका मतलब बताओ सर, मना करना क्या चीज, आप बोलो सर, वर्जित करना सर, उसके आप पूरा मतलब बताओ ना, मना करता है कि किस धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो अभी हम लोगों का इंग्लिश का पेपर हम ज्यादा इसमें नहीं कराएंगे, और आगे कल से फिर हम लोग मैथ करेंगे, मैथ के पहले पूरे करने के चैप्टर, ठीक है, मैथ में तो कुछ बात नहीं है ना। रशिया में कौन सा रिलीजन है? रशिया में मोस्टली बिना वो ऐसे ग्रुप है जो थीस्ट है, थीस्ट और अथीस्ट होते हैं, तो थीस्ट मतलब है जो आस्तिक हैं, अथीस्ट हैं, नास्तिक हैं, वो किसी